हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लाइफ एक्सप्लेनेशन टू उस गर्ल के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा जो है टेरेबल। टेरेबल का मीनिंग होता है इन अ वेरी बैड मैनर, भयानक। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं लाइव एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में वह गर्ल अपनी न्यू ट्रिक ट्राई करने जाने वाली होती है। सो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स वो अपनी कॉर्नफ्लेक्स ये सब नहीं खाते। सो फ्रेंड्स, वो अपनी कॉर्नफ्लेक्स खाकर अपने स्केट्स और हेलमेट लेकर बाहर निकल जाती है। फिर वह कहती है, मैं सिर्फ अपने रोलर स्केट्स पहन सकती हूँ बाहर, ये मेरे बड़े घर का एक नियम है। ये नियम मेरे छोटे घर में भी है। फिर उसकी मम्मी कहती है, कैरन, वो कहती है, हाँ मैं आगे हूँ। फिर उसकी डिवोर्स पापा की वाइफ कहती है कि हनी, यानी कि कैरन, वुड यू टेक शेनॉन फॉर अ वॉक प्लीज, यानी कि तुम शेनॉन यानी कि डॉग को, शेनॉन डॉग को एक वॉक पर ले जाओगी। तो कैरन बोलती है कि मुझे शेनॉन को वॉक भी कराना है और मुझे स्केटिंग भी करनी है, मैं क्या करूँ। सो वो फिर एक आइडिया सोचती है और कहती है, हाँ मुझे पता है। फिर वो कहती है, ठीक है। तो फिर उसके असली पापा की वाइफ कहती है, थैंक यू कैरन। फिर कैरन कहती है, आपका स्वागत है। फिर वह अपने छोटे भाई को बुलाती है और फिर कहती है, क्या तुम मुझे शेनॉन डॉग को वॉक कराने में हेल्प करोगे। कैरन कहती है कि मुझे एक गुड आइडिया आया है, मुझे पता है हम शेनॉन को कैसे वॉक करा सकते हैं, एंड और मैं रोलर स्केट भी कर सकती हूँ और तुम अपनी ट्राइसाइकिल भी चला सकते हो। फिर उसका छोटा भाई कहता है, कैसे। सो वो कहती है, ऐसे तुम अपनी बाइसिकल चलाओगे और हमारे डॉगी शेनॉन को अपने पीछे रखोगे, मैं तुम्हारे आगे स्केटिंग करूँगी और ताकि शेनॉन डॉग मेरे साथ एंटैंगल या टैंगल्ड ना हो, ठीक है। तो वो कहती है, पूछती है। सो उसका भाई कहता है, ठीक है। फिर कैरन कहती है, अब शेनॉन डॉगी को ले जाओ, मुझे अपने रोलर स्केट्स भी पहनने हैं। फिर वह अपने रोलर स्केट्स पहनती है, लेकिन वह अपने रिस्ट गार्ड्स अंदर ही भूल जाती है, इसलिए वह कहती है, अरे नहीं, मैं तो अपने रिस्ट गार्ड्स इन अंदर ही भूल गई। फिर वो कहती है, वैसे कोई बात नहीं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी स्केटिंग कर लेती हूँ। फिर वह अपने छोटे भाई से कहती है, रेडी सेट गो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन बीच में एक ज़मीन पर क्रैक आ जाता है, तो कैरन उससे जंप कर जाती है और फिर रुक जाती है। फिर तीनों स्माइल करने लगते हैं। फिर कैरन कहती है, देखा है एंड्रयू, मैंने एक अच्छी कूल ट्रिक दिखाई ना। सो उसका छोटा भाई कहता है, हाँ। फिर वो कुछ कैन के डब्बे रख देती है और कहती है, अब मैं इन कैन से लीप करूँगी, यानी कि जंप करूँगी। मैंने देखा था, वह कह रही थी, मैंने टीवी पर देखा था कि एक लड़की यानी कि वुमेन ऐसा कर रही थी, वह 6 कैन की बोतलों से ऊपर से जंप कर गई, लेकिन मैं 2 से ही कूदूंगी। फिर उसका छोटा भाई कहता है, ठीक है कैरन, तुम्हें लगता है तुम्हें करना चाहिए वैसे। फिर उस कैरन कहती है, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ यही वाली ट्रिक ट्राई करनी है। फिर वह स्केटिंग करते हुए वहाँ पर जाती है, फिर वह से जंप कर जाती है। फिर वह कहती है, मैंने कर लिया। फिर वह टर्न लेती है, लेकिन फिर वह थर्ड करके गिर जाती है। फिर उसके रिस्ट जो होता है वो टूट जाता है। फिर वह अपने छोटे भाई से कहती है, एंड्रयू, मेरी रिस्ट टूट चुकी है। फिर वह उसका छोटा भाई कहता है,
अरे कैरिन, मैं डैडी को बुला के लाता हूँ। फिर उसका छोटा भाई कहता है, तुम शेनॉन को पकड़ो, मैं अभी सारे लोगों को बुला कर लाता हूँ। फिर उसका छोटा भाई सारे लोगों को बुला के लाता है। और फिर जब तक वह रोने लगती है, फिर उसके पिता और उसकी बड़ी बहन आती है। और फिर उसके पिता कहते हैं, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? फिर वह कहती है, मुझे बस घुमाओ मत, ठीक है? फिर वह उसे लेकर अपने घर जाते हैं। और वह कैरन बीच रास्ते में कहती है कि मुझे अपने रिस्ट गार्ड्स पहन लेने चाहिए थे। लेकिन फिर उसके पिता कहते हैं कि अब तुम उसकी चिंता मत करो। फिर कैरन कहती है, मेरी टूट गई, मेरी रिस्ट टूट गई। फिर उसकी बड़ी बहन कहती है, हमें उसे इमरजेंसी रूम ले जाना होगा। फिर उसकी एक और बहन कहती है, कैरन, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूं। फिर वह अपने सर को हिलाती है। फिर उसके पिता कहते हैं, ठीक है कैरन, चलो चलते हैं। फिर उसकी स्टेप मदर कहती है, मैं तुम्हें जल्दी देखूंगी स्वीटी, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। तुम कोशिश करो कि तुम ब्रेव हो। अगर तुम्हें रोना आए तो तुम रो और उसे फील करो। तो कैरिन कहती है, ठीक है। फिर वह गाड़ी में बैठ के जा रही होती है। फिर उसके पिता कहते हैं, ये आ गया इमरजेंसी एंट्रेंस हॉस्पिटल का। फिर वह रोती है। अगला चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट करें। बाय।